भरोसे की नींव पर खड़ी, विश्वास की दीवारों से घिरी, सुरक्षा की छत से ढकी, ये कहानी है विकास की इमारत की। मोदी सरकार ने बीते कई सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का सिर्फ शिलान्यास ही नहीं किया है बल्कि उनका उद्घाटन भी किया है। इशारा साफ है, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का कार्य न सिर्फ अभूतपूर्व तेजी से शुरू हुआ है बल्कि समय पर पूरा भी हो रहा है। हर प्रोजेक्ट जो प्रारंभ हो रहा है मोदी सरकार की नीतियों और दूरदर्शिता के चलते सभी बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच रहा है। पिछले 9 सालों में भारत ने विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ नई परियोजनाओं की घोषणा की है बल्कि उनके लिए जरूरी फंड भी आवंटित किया है। प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से परियोजनाओं के विकास की निगरानी स्वयं पीएम मोदी ने की है। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में रिकॉर्ड स्पीड और स्केल के साथ सड़क निर्माण के कार्य को अंजाम दिया है। हाईवेज का औसत निर्माण अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में हुए सड़क निर्माण से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया है। 99% गांव सड़कों से जुड़ गए हैं। ठीक इसी तरह मोदी सरकार ने रेलवे में भी बड़े स्तर पर विस्तार किया है, जिसमें रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण और विद्युतीकरण शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 400 विश्व स्तरीय वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देने की ठानी है, जिनमें से 17 वंदे भारत ट्रेनें चालू हैं और 383 और जल्द ही भारत को जोड़ने वाली है। इससे यात्रा तेज और आसान होगी। जम्मू कश्मीर में चिनाब के ऊपर बन रहा विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल और 10,000 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल मोदी सरकार के विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है। सुविधा के साथ सुरक्षा भी आवश्यक है। एक समय था जब रेल हादसों में कई लोगों की जानें जाती थी, लेकिन अब मोदी सरकार की बेहतरीन प्लानिंग का ही नतीजा है कि ऐसी दुर्घटना को होने से रोकने के लिए कवच जैसी उच्च तकनीक मौजूद है। सड़क रेल के साथ साथ पीएम मोदी ने हवाई यात्रा को भी आम लोगों तक पहुंचाया है। आजादी के बाद से देश में एयरपोर्ट्स की संख्या केवल 70 थी, लेकिन मोदी सरकार के 9 सालों के कार्यकाल में एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़कर 148 हो गई है। इनमें से कई टियर 1 और टियर 2 शहरों में है, जिसका मतलब है अब छोटे छोटे शहर भी हवाई मार्ग से जुड़ गए हैं। मेट्रो रेल परियोजनाएं देश के करीब 20 शहरों तक पहुंच चुकी है। पीएम मोदी का मानना है कि सड़क रेल या हवाई मार्ग से होने वाली कनेक्टिविटी अगर विकास का सूचक है तो देश के संपूर्ण विकास के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी भी उतनी ही आवश्यक है। इसीलिए मोदी सरकार देश के करीब 6,00,000 गांव को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लक्ष्य पर काम कर रही है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जा रही हैं। इन सभी परियोजनाओं का संचालन ठीक तरह से हो और तय समय पर ये बनकर तैयार हो सके, इसके लिए मोदी सरकार गति शक्ति सिंगल एकीकृत पोर्टल के माध्यम से सभी योजनाओं और विभागों के बीच तालमेल को संस्थागत रूप दे रही है। भारत में कई ऐसी परियोजनाएं थी जो पिछली सरकारों में 2 से 3 दशकों से किसी न किसी कारण से लंबित थी, उनको प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा किया है। उत्तर प्रदेश में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, बिहार में कोसी रेल महासेतु, केरल में कोल्लम बाईपास, ब्रह्मपुत्र पर बोगीबील रेल सड़क पुल,
अटल टनल, दिल्ली के आसपास ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं शुरू तो 20 साल पहले हुई थी लेकिन पूरी नहीं हो पाई। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में आज ये सभी परियोजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की शानदार कहानी बयान कर रही है।